हेलो दोस्तों, तो ये प्रिंटर इस तरह से आवाज़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, मोटर का गियर है, बिल्कुल मोटर का गियर बिल्कुल घिस गया। तो आज इस प्रिंटर में मोटर को चेंज करेंगे। तो मोटर को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे पूरे प्रिंटर को, और इसकी मोटर को खोल लेंगे और नई मोटर लगाएंगे इसमें, जिसमें गियर सही होगा। चेंज हुआ गियर को, मोटर को चेंज कर देंगे इसमें। तो इसको खोलने के लिए इस तरह से इस ढक्कन को खोल लेंगे। खुल गया ढक्कन, और इसी तरह से दूसरी साइड के ढक्कन को भी खोल लेंगे। तो यहाँ पर लॉक रहता है, तो इस तरह से इस लॉक को ओपन कर लेंगे, और नीचे भी लॉक लगा रहता है, इस लॉक को भी इस तरह से खोल लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के ढक्कन खुल जाएंगे। इसके बाद इसकी ये पैनल केबल है, इसको डालेंगे, और इसके अंदर केबल को भी इस तरह से डालेंगे। इसके बाद इसके स्कैनर को खोलने के लिए यहाँ पर पिन लगी रहती है, तो इस पिन को इस तरह से निकाल लेंगे, और दूसरी पिन को भी इस तरह से निकाल लेंगे। दोनों पिनों को निकालने के बाद यहाँ पर एक लॉक रहता है, इस लॉक को हटा लेंगे, इस तरह से हटा के निकाल लेंगे, और इसकी केबलों को फिर बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से केबलों को बाहर निकाल के इसके अंदर को खोल लेंगे। ये ढक्कन ऊपर का ढक्कन हटा लेंगे, आगे वाले के ढक्कन को भी हटा लेंगे। इस तरह से दोनों ढक्कन हटाने के बाद पीछे वाला जो प्लेट लगी रहती है, इसको यहाँ पर लॉक रहते हैं, दोनों लॉकों को ओपन करके और इस तरह से हटा लेंगे। ऊपर का कवर को भी इस तरह से हटा लेंगे। अब इसके बाद जो ऊपर का ये पैनल कवर है, मेन कवर, तो इसको भी खोलने के लिए यहाँ पर जो सभी स्क्रू को एक एक करके खोल लेंगे। सभी स्क्रू खुलने के बाद इस तरह से आसानी से हट जाएगा। अब इसको हटाने के बाद इसकी कार्टेज को भी बाहर निकाल लेते हैं। अब इसके यहाँ के प्लेट को खोलने के लिए चार स्क्रू है, तो चारों स्क्रू खोलने के बाद इसमें नीचे प्लेट में लॉक लग रहते हैं, लॉकों को इस तरह से ऊंचा करके निकाल लेंगे, ऊंचा कर देंगे लोगों को दोनों साइड पे, और इसको इस तरह से आसानी से हटा लेंगे। अब प्लेट खोलने के बाद इसमें जो एक केबल लगी रहती है, तो केबलों को हटा लेंगे इस तरह से, ये इस तरह से केबल को हटा लेंगे। और यहाँ पर ऊपर इंजन कार्ड में भी जो केबल लगी रहती है उसको बैठा लेंगे, और यहाँ पर जो स्क्रू है इस स्क्रू को खोल लेंगे, और इधर लॉजिक कार्ड से भी केबल को हटा लेंगे। सभी केबलों को फिर कर लेंगे आगे, और इंजन कार्ड को इस तरह से हटा के, और यहाँ तो एक केबल लगी रहती है लेजर इसके अंदर में, उसको बैठा लेंगे। मोटर की केबल है ये, नीचे लेजर इसके अंदर की, उनको हटाने के बाद इंजन कार्ड है बाहर निकल जाएगा। इसके बाद लेजर इसके अंदर को खोल लेंगे, ये लेजर इसके अंदर के सभी बोल्ट खुल गए, ये आसानी से ऊपर उठ जाएगा। देखो दोस्तों कितनी डस्ट जमी हुई है लेजर इसके अंदर में, इसको रख देते हैं। अब इसकी मोटर को खोलेंगे,
देखिए मोटर का गियर देखिए बिल्कुल घिसा हुआ गियर है, इसलिए वे प्रिंटर आवाज़ कर रहा है। तो इसका मोटर में यहाँ पर दो स्क्रू लगे रहते हैं, एक तो इस साइड पे और एक नीचे की साइड पे। तो इस तरह से स्क्रू को खोल लेंगे। ये एक स्क्रू खुल गया और एक स्क्रू इस जगह पे, इसको भी। इस तरह से इसको दोनों स्क्रू को खोल के मोटर को बाहर निकाल लेंगे। आसानी से निकल जाएगी मोटर। अब देखिए दोस्तों, इस मोटर में बिल्कुल गियर नहीं है, बिल्कुल घिस गया गियर, इसलिए ये स्लिप हो रही है और आवाज़ कर रही है। तो इस मोटर को चेंज कर देंगे। जिस मोटर में नया गियर डला हुआ है उस मोटर को इसमें लगाएंगे। देखिए बिल्कुल गियर ख़त्म हो गए, इसलिए ये प्रिंटर आवाज़ कर रहा है। तो अब ये लेते हैं दूसरी मोटर, ये वाली मोटर को इसमें लगाएंगे। इसमें जो ये मेन आगे वाला गियर है ये नया डाल रखा है इसमें, तो इस मोटर को इसमें सेट कर देंगे और इस पुराने वाले में गियर को फिर डाल लेंगे। तो पहले तो इस मोटर को लगाने से पहले प्रिंटर को अच्छी तरह से सफाई कर लेते हैं। ये कंप्लीट सफाई हो गई। अब इसमें मोटर लगा के वापस प्रिंटर को पे करेंगे। तो इस मोटर को इस तरह से बिठाएंगे, इस तरह से बैठ जाएगी मोटर और इसमें स्क्रू कस देंगे। इस तरह से स्क्रू को कस देंगे। इसी तरह से नीचे वाले स्क्रू को भी कस देंगे और इस दोनों स्क्रू कसने के बाद इसके लेजर इसके अंदर को लगाएंगे। इस तरह से लेजर इसके अंदर को लगा के और इसके भी सभी स्क्रू को कस देंगे। इसके सभी स्क्रू कसने के बाद इंजन कार्ड को लगाने के लिए इस केबल को पहले इस तरफ निकाल लेंगे। इस तरह से इस केबल को तो इस साइड पे निकाल लेंगे और इधर वाली केबल को भी इस साइड पे निकाल लेंगे। दोनों साइड से केबल निकालने के बाद अब इसमें जो इंजन कार्ड वाली केबल है इसको लेजर इसके अंदर में इस तरह से बिठा देंगे। यहाँ पर सॉकेट आता है, सॉकेट में इस तरह से बिठा देंगे इसको। ये बैठ गई और जो मोटर वाली केबल है इसको भी यहाँ बिठा देंगे। और जो ऊपर एक और केबल है लेजर इसके अंदर की, इसको भी यहाँ पर सॉकेट में बिठा देंगे। सभी केबलों को लगाने के बाद अब ये जो मेन बोर्ड की केबल है इसको भी यहाँ बिठा के
और इधर निकाल लेंगे। पहले यहाँ का स्क्रू लगा लेते हैं। ये प्लेट हिलेगी नहीं, तो इस स्क्रू को लगा लेंगे पहले। इसके बाद अब ये बाकी यू केबल हैं, इनको सबको सेट कर देंगे। ये लॉजिक कार्ड में बिठा देंगे यहाँ पर, और ये दूसरी साइड पे पावर कार्ड वाली केबल है, इनको भी इंजन कार्ड वाली केबल को पावर कार्ड वाली केबल में बिठा देंगे ये। और ये बची हुई केबल को भी यहाँ से निकाल के इस तरह से यहाँ लॉक में बिठा के इस तरह से सेट करके और यहाँ सॉकेट में लगा देंगे। ये कंप्लीट हो गई केबल। अब इसका ऊपर का जो प्लेट है इसको लगाएंगे, इसको साफ करके और यहाँ इस तरह से सेट कर देंगे। ये इस तरह से बैठ जाएगी और इसके स्क्रू को कस देंगे। अब स्क्रू कस गए। अब इसके बाद इसमें एक बार पावर ऑन करके देख लेते हैं आवाज आ रही है क्या नहीं। यहाँ पर ये इसको दबाने के बाद पावर आ जाएगी इसमें, देखो घूम गया और कोई आवाज भी नहीं आई इसमें। तो ये कंप्लीट हो गया, मोटर डल गया इसमें। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपने प्रिंटर में घर बैठे मोटर मंगा के या मोटर की गिरारी मंगा के उसमें सेट करके वो डाल सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ऐसे और नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी जो इसका ये ऊपर का कवर इसको भी कस के और कंप्लीट हो जाएगा वैसे तो। बाकी आपको पूरा दिखा देते हैं कंप्लीट करके। इसके सभी स्क्रू कसने के बाद इसके आगे वाला ढक्कन को सेट कर लेंगे। ये इस तरह से बैठ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ का ढक्कन को लगाएंगे ऊपर वाले को, इसको लगा के और इनको लोको में बिठा देंगे इस तरह से। ये बैठ गया और इसको भी इस तरह से लगा देंगे। अब इसके बाद पीछे वाले ढक्कन है तो पीछे वाले ढक्कनों को भी लगा लेंगे, इस तरह से बैठ जाएगा। और नीचे वाली प्लेट है इसको भी इस तरह से लोको में बिठा के, नीचे भी लॉक रहते हैं इसमें, नीचे भी बिठा देंगे। ये बैठ गए। अब इसके बाद इसका स्कैनर है, इस स्कैनर को लगाएंगे और इस केबलों को सेट कर लेंगे। इस तरह से केबलों को सेट कर लेंगे। यहाँ पर केबल सेट हो गई। अब इसके जो ये पिन निकाली थी यहाँ की, पिनों को सेट कर देंगे। पिनों को सेट करने के लिए इस तरह से पकड़ के इसको और दूसरी साइड से पिन को डाल देंगे तो ये बैठ जाएगी।
इस पिन को इस तरह से घुसा देंगे इसमें। ये बैठ गई साइड की पिन, और दूसरी पिन को भी इसी तरह से बिठा के यहाँ से दबा देंगे। ये दोनों पिनें बैठ गई। अब यहाँ का लॉक है उसको भी इस तरह से यहाँ सेट कर देंगे। ये हो गया काम। अब इसके बाद ये पैनल की केबल और इसके अंदर की केबल को भी लगा देंगे। ये दोनों केबलें लग गई। अब इसमें कांटे लगाते हैं और करते हैं चेक। लगाते हैं पावर केबल। पावर केबल लगाते ही चल गया प्रिंटर। अब इसमें करते हैं प्रिंट, डेमो प्रिंट निकाल के टेस्ट। पेपर ले लिया इसने। अब प्रिंट निकल के आ गई। देखिए दोस्तों, अच्छी क्वालिटी में प्रिंट निकल गई। तो इस प्रकार दोस्तों, आप भी घर बैठे अपने प्रिंटर को सही कर सकते हो। नई मोटर मंगा के या उसका गियर चेंज करके उसी मोटर को लगा सकते हो। थैंक यू दोस्तों।